Rahul ji, although the NDA has emerged as, you know, they are getting the majority, but some of its partners have been your partners in the past, including the TDP and the JDU. So have you decided to sit in the opposition, or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो. कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा. बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे. सर खरगे साहब भी आपसे पूछना चाहते थे कि यहाँ पे बीजेपी में जश्न हो रहा है और उनके हिसाब से एनडीए को मेजॉरिटी मार्क से ऊपर मिला है, तो एनडीए सरकार बना रही है, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि आपने कहा नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमेबंदी होगी इसको लेके, और क्या खुद नरेंद्र मोदी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे. सारे स्ट्रेटजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे. इसलिए हाँ, जयराम जी राहुल जी, खरगे साहब ने कहा कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, जनादेश इंडिया गठबंधन के लिए क्या है, विपक्ष में बैठने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए? और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई. आप कौन सी सीट रखने वाले? नहीं, सब दोनों सीटों से जीता हूं, और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं. अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा. दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं.